Even the basic is going to be मैं तो अभी मतलब इमोशनल होकर बाहर निकला हूँ, तो मुझे कंपोज होने में थोड़ा टाइम लगा. बहुत दिनों बाद ऑनेस्टली आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर्क फॉर द फिल्म. आई एम सेइंग इट बिकॉज आई रियली मीन इट. इट्स अ जेन्युइनली वेरी नाइस फिल्म. प्लीज गो एंड वॉच इट. अभी मैं चले जाता हूँ क्योंकि मेरे बारे में बात कर रहे हैं. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जिस तरह के व्यक्ति आमिर सर रियल लाइफ में हैं, उसके एग्जैक्टली उल्टा जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है शक्ति कुमार जी का, नहायत ही छिछोरे और बदतमीज़ किस्म के इंसान हैं. और आमिर सर कोई भी रोल करें उसे बहुत ही बखूबी निभाते हैं. बट उसमें भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो उन्होंने प्ले किया है उसमें एक जो उनके पास भी यू नो कितने भी छिछोरे हैं वो, लेकिन उनके पास यू नो एक सॉफ्ट हार्ट है. और वो किस तरह लड़की की लाइफ में एक रोल प्ले करते हैं वो भी बड़े खूबसूरती के साथ प्ले किया है. एनीवन एल्स? मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मेरी आंखें क्या कहते हैं फैटी के टॉप की तरह लाल हो चुकी है. ज्यादा लाल लग रही है रो रो के. ये बंदा इतना रो रहा था दो तीन छींटे मेरे ऊपर. उसके साथ काम किया है एंड बहुत अच्छा लग रहा है. She's the real secret superstar. कुछ कहना चाहती हो तुम इस बात पे? थैंक यू कह दो हमें. सीक्रेट अबाउट ज़ायरा ये बताएगा. नहीं, मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी और मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रहा था. और आई थिंक सबको अपनी फैमिली के साथ देखनी चाहिए फिल्म, स्पेशली मदर्स. मेरी मम्मी वॉच इट विद योर मॉम. और और सब बहुत रोएंगे, बहुत हंसेंगे और बहुत मजा आएगा. ये मान लें कि हर मदर्स डे पे हिंदुस्तान में एक मूवी हर टीवी चैनल पे आएगी. वो सानिया ने कोरियोग्राफ किया. आई लव द फिल्म. आई थिंक इट्स द इमोशनल कनेक्ट बिटवीन द मदर एंड द डॉटर इज एब्सोल्युटली रिवेटिंग ऑसम एंड इट मूव्स यू टियर्स, यू स्टार्ट क्राइंग एक्चुअली. I think the little girl and the mother, जो माँ का रोल है वो कमाली किरदार है. माँ और बेटी का जो रिलेशनशिप है इट्स ब्यूटिफुल एंड द फिल्म इज़ वेरी वेरी हार्ट टचिंग. इतनी है कि मेरा दिल, आई मीन आई क्राइड सो मेनी टाइम्स एंड आई वॉन्ट टू सी द फिल्म अगेन. इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म. आमिर इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म एंड ही प्लेड द रोल ऑफ अ कंपोजर शक्ति कुमार. And it's anybody's guess wo kaun hai, lekin Aamir has done a fabulous job and the film is outstanding. Full marks to Chandan Advait, the director, and Aamir Khan Productions for a beautiful film. Bahut badhiya lagi aur main hamesha jab Aamir ki film dekhta hu to mujhe aisa lagta hai ki shayad isme gadbad kar gaya kar jayega. Ye film mein to gadbad karega magar is film mein bhi gadbad nahi, you know ki yaar हर बार कैसे ये यू नो सही फिल्म बनाता है, सही कहानी लेता है, सही एक्टर्स को लेता है. तो मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म भी जैसे कि उनकी पुरानी फिल्में जो इससे पहले जो फिल्में रिलीज़ हुई उन फिल्मों की तरह ये भी लगता है लोगों को बहुत, मुझे बहुत पसंद आई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को भी बहुत पसंद आई और मैं ये दिल से कह रहा हूँ. सबसे तो वो लड़की है, जो बच्ची है जिसने काम किया बड़ा अच्छा किया. और आमिर का कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त है, जो फिल्म में पति देव बने हैं उनका भी बहुत, सबने अच्छा काम किया. मगर मेरा पसंदीदा जो है वो लड़की जो बहुत अच्छा काम किया. सुपर हिट है यार, बहुत ही इमोशनल फिल्म है और एंड में तो आंसू आ जाते हैं फिल्म में.
और परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया, अमेजिंग परफॉर्मेंस, आई थिंक बेस्ट फिल्म है इस साल की. एज ऑलवेज आमिर्स फिल्म्स आर रियली स्पेशल एंड आई थिंक ये फिल्म में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है. कुछ दिनों ही पहले मैंने कहा था कि ड्रीम्स डोंट डिस्क्रिमिनेट और ये बिल्कुल वही स्टोरी है कि जहाँ पे एक छोटी बच्ची अपना एक ड्रीम हासिल करना चाहते हैं और जिस तरह से उसने भी रोल किया है वो इट्स रियली रियली इम्प्रेसिव और ये एक मूवी दिल को छू जाती है. और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सभी ने जो परफॉर्म किया है इट्स आउटस्टैंडिंग. आई थिंक दिस मूवी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट. आई वांट टू विश आमिर एंड द एंटायर कास्ट ऑल द वेरी बेस्ट. ये और एक आमिर स्पेशल मूवी है मैं कहूँगा, मगर जो ज़ायरा ने जो रोल किया है आई थिंक दैट इज़ रियली रियली स्पेशल एंड आई कैन से दैट उसको बहुत उसके सामने बहुत बड़ा फ्यूचर है. आई वांट टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. इट्स ब्यूटीफुल यार, इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इमोशनल एंड like beautifully told story and Amir sir, Zaira, the whole cast, I think just do yourself a favor and go watch Secret Superstar. Yeah. बहुत अलग है. आई थिंक आमिर सर ने बहुत ही अच्छा काम किया है. इज सो फनी और बहुत सारे लोगों की याद रही उन लोगों ने उन्होंने कैटर करते हुए बट इज वेरी फनी. इज इट्स अमेजिंग द वे ही हैज पोर्ट्रेड शक्ति इन द फिल्म. Oh yes, yes, it's definitely a very important year for me. The kind of films that I've done, I've been a part of. I'm just grateful for everything. Yes. मुझे वैसी लगी जैसे मुझे उम्मीद थी, इसलिए कि मेरा ऐसा ख्याल है कि आमिर खान साहब अच्छी ही फिल्म बना सकते हैं, उनकी ये मजबूरी है. तो बहुत अच्छी फिल्म है और मुझे यकीन है बहुत कामयाब होगी और बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं. आमिर खान का बहुत दिलचस्प कैरेक्टर है और बहुत अच्छी तरह निभाया है उन्होंने. और ये लड़की ज़ायरा वसीम जो कि इसका मेन कैरेक्टर है उसने बहुत अच्छा काम किया है और जो उनके फादर का रोल किया है उसने वो भी बहुत ही कमाल कैरेक्टर, बहुत. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह की कल्ट फिल्म बनने वाली है. मुझे बेहद अच्छी लगी फिल्म. आप देख रहे हैं कि मैं अपने आंसू पोंछते हुए आई हूँ और सब्जेक्ट बहुत अच्छा है. ज़ायरा ने बेहद अच्छा काम किया. इनफैक्ट एंसेंबल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, न सिर्फ जिन्होंने बाप का रोल किया है मगर माँ का रोल भी जिन्होंने किया. शी इज़ ऑल्सो आउटस्टैंडिंग और आमिर इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन इट. ये फिल्म दिल को छूती है और इसमें बहुत अच्छा मैसेज है गर्ल चाइल्ड के लिए और मदर्स के लिए, जो कि बिना प्रीच किए हुए उन्होंने बहुत एक इमोशनल और ह्यूमन तरीके से किया है. मुझे लगता है ये आज की गुड्डी है मोर फाइस्टी देन द वन वी सीन अर्लियर, बट यू लव हर जस्ट एज मच और मे बी इवन मोर. गुड लक फॉर एवरीबॉडी. आई हैव नो वर्ड्स टू डिफाइन द फिल्म. इट्स सच अ pure, inspiring and a hugely entertaining film. I think everybody should watch it. Every family member should watch the film. You've known Amir for years now. Yeah. How is it? How did you like it? Amir's performance? Shakti Kumar. Amir is the fun quotient in the film. He is just extraordinary. You have to watch it. I have nothing to... He just cracks you up all the time he comes on screen. Second film, and everybody's praising Zaira. What do you have to say? You know, I asked Zaira what was easier for her to do, whether to wrestle or to... wrestling was easier or singing was easier. She's just extraordinary. This girl is just extraordinary. It's a very, very inspiring film. Humne aaj tak kabhi bola nahi. Meri pyari ammi. Chal aage. Thoda sa aur. जी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी और हर बेटी को अपनी माँ के साथ देखनी चाहिए.
शेरपुर। मैम सबने कहा बहुत बुलाया है, बताना चाहेंगे आप भी रोए? हम भी रोए काफ़ी, इमोशनल जर्नी रही जी। हाँ और आमिर का काम भी बहुत अच्छा लगा, हमने हंसाया हंसाया इन्होंने। जी हाँ हाँ, हमें उनका वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा और आमिर ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया उसको। वेल शी विल गिव मी अ लॉन्गर रिस्पॉन्स व्हेन आई गो होम, या शी विल, शी इज समवन हु इज वेरी इन्वॉल्व इन सिनेमा बिकॉज माई फादर वॉज अ फिल्म मेकर इज वेल एंड सो शी वॉज वेरी इन्वॉल्व विद दैट। So often at home we discuss scripts, we talk about stories, we analyze films. When we see a film, we have discussions about it. My films, other people's films. हम जब किरण से मिले थे, किरण was very skeptical about your character. हाँ। जब आपकी मम्मी को शुरू, हाँ शुरू शुरू में किरण was skeptical until she saw the film and then she was laughing the loudest. What about Ami? Ami liked it a lot. Ami liked it a lot. Thank you guys. Thank you. नहीं एक्चुअली आप मुझे बताइए क्योंकि मैं तो बाहर था नहीं, लोग बाहर निकल के क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ जी 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 वेल आई एम ग्लैड दैट पीपल आर लाइकिंग इट सो मच एंड जो हमने फिल्म बनाई है जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है उसकी बड़ी खुशी है हमें, लेकिन मेन इंतज़ार जो है मुझे ऑडियंस का है। जब 19 तारीख को हम रिलीज़ करेंगे और थिएटर में लगेगी उस वक्त ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है उसके लिए मुझे इंतज़ार है। शक्ति कुमार नहीं, मुझसे बहुत अलग किरदार है, मैं शक्ति कुमार जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। I hope. Yeah. So any secret about secret supposed that you like to secret it kind of stuff? No, that you'll come to know in the film. Thank you. Thank you.